द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता और पूर्व मुक्केबाजी राष्ट्रीय कोच और गुरबख्श सिंह संधू के साथ बीजिंग ओलंपिक कांस्य पदक विजेता विजेंद्र सिंह और राष्ट्रमंडल खेलों के दोहरे पदक विजेता मनोज कुमार सहित छह ओलंपियनों ने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के मुक्केबाजी कोच राजेश कुमार के नाम की सिफारिश देश के सर्वोच्च कोचिंग सम्मान वर्ष 2021 के द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए की है। बता दें, दो बार के ओलंपियन और अर्जुन पुरस्कार विजेता मुक्केबाज मनोज कुमार की सफलता के पीछे राजेश कोच की कड़ी मेहनत का हाथ है। मनोज के अलावा भी उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता और तीन बार के राष्ट्रीय चैंपियन मुकेश कुमार के निर्माण का भी श्रेय दिया जाता है। उनके अन्य प्रतिष्ठित मुक्केबाजों में सहदेव हुड्डा, मदन प्रीति, नीलकमल, जितेंद्र, मुकेश, नीरज, अशोक, राजेंद्र, शुभम, कशिश, हिमांशी, राकेश और कई अन्य राज्य और राष्ट्रीय स्तर के मुक्केबाजों का नाम आता है। पूर्व विश्व रजत पदक विजेता स्वीटी बुरा और वर्तमान में एशियाई चैंपियनशिप कांस्य पदक विजेता और दक्षिण एशियाई खेलों के चैंपियन विनोद तंवर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में उनके प्रशिक्षु रहे हैं। जीएस संधू ने बॉक्सिंग कोच राजेश के लिए अपनी सिफारिश में कहा, वह देश के उन मुख्य कोचों में से एक है जो जमीनी स्तर पर और उत्कृष्टता के स्तर पर काम कर रहे हैं। वो प्रतिभा की खोज से लेकर विश्व स्तर के मुक्केबाजों के निर्माण तक अपना शत प्रतिशत बॉक्सिंग को बढ़ावा देने के लिए कर रहे हैं। उन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय मुक्केबाज चैंपियन बनाए हैं और उनके प्रशिक्षुओं ने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अनेकों बार देश का नाम रोशन किया है। जब विजेंद्र सिंह ने 2008 बीजिंग खेलों में देश का पहला ओलंपिक पदक जीता था, उस समय बॉक्सिंग टीम के राष्ट्रीय कोच रहे संधू ने खेल मंत्रालय को अपनी सिफारिश में ये भी बताया कि राजेश एक अंतर्राष्ट्रीय AIBA टू स्टार कोच और 2017 वर्ल्ड बॉक्सिंग सीरीज में ब्रिटिश फ्रेंचाइजी द ब्रिटिश लायन हार्ट्स की बॉक्सिंग टीम का प्रतिनिधित्व करने वाले भारत के एकमात्र कोच है। राजेश के प्रशिक्षु मनोज ने 2012 लंदन और 2016 रियो ओलंपिक में भाग लिया और 9वीं रैंक लेकर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया और नई दिल्ली में आयोजित 2010 राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता। उनकी आखिरी बड़ी जीत 2018 राष्ट्रमंडल खेलों में कांस्य पदक की थी। अप्रैल में पोलैंड में आयोजित 2021 IAIBA यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में उनकी विश्वविद्यालय प्रशिक्षु विंका ने स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने 2019 एशियन यूथ चैंपियनशिप मंगोलिया में भी स्वर्ण पदक जीता था। इसके अलावा भी उन्होंने एक दर्जन से अधिक अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजों का निर्माण किया है। मुक्केबाजी के क्षेत्र में सफलता हासिल करने के अलावा राजेश कोच के वे सम्मान के हकदार हैं जिन्होंने गरीबी से बाहर निकलने में उनकी मदद की। वे विनम्र और साधारण पृष्ठभूमि से हैं और आज जिस भी जीवन शैली का वे नेतृत्व कर रहे हैं वे सब बॉक्सिंग की वजह से है। मुझे ही नहीं, कोच साहब ने कई मुक्केबाजों को सरकारी नौकरी दिलाने में मदद की है और इनमें से अधिकांश खिलाड़ी बहुत ही सामान्य परिवार से आते हैं। मनोज कहते हैं, जिन्हें 2014 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, मेरे मुक्केबाजी कैरियर में बहुत उतार चढ़ाव रहे हैं। मेरी हिम्मत हौसले राजेश कोच के प्रयासों के कारण ही कभी नहीं हारे। यही कारण था कि मैं आगे बढ़ने में हमेशा सक्षम रहा। वहीं ओलंपिक पदक विजेता मुक्केबाज विजेंद्र सिंह कहते हैं, राजेश जमीनी स्तर पर बॉक्सिंग के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जिससे वो विश्व स्तरीय मुक्केबाज तैयार कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि खेल मंत्रालय उन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित करके उनकी उपलब्धियों को स्वीकार करे। बता दें, राजेश 20 वर्षों से अधिक समय से कोच हैं। वह 2015 में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में एक बॉक्सिंग कोच के रूप में शामिल हुए थे। उसके बाद उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने प्रशिक्षु के परिणाम देने के अलावा उनकी कोचिंग के तहत हरियाणा की महिला टीम ने 2016 की राष्ट्रीय चैंपियनशिप में सभी 10 भार वर्गों में रिकॉर्ड 10 पदक जीतकर इतिहास रच दिया। उन्होंने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय को खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में महिला बॉक्सिंग टीम को पहला स्थान हासिल कराकर यूनिवर्सिटी को पदकों की संख्या बढ़ाने का काम किया। राजेश राजौन ने कहा, ये मेरे लिए एक सम्मान की बात है कि महान कोच संधू सर के साथ छह ओलंपियन विजेंद्र सिंह, मनोज कुमार, जय भगवान, दिनेश सांगवान, जितेंद्र और सुमित सांगवान और राष्ट्रमंडल खेलों के कांस्य पदक विजेता दिलबाग सिंह ने मेरी पर्याप्त योग्यता को देखते हुए सर्वश्रेष्ठ कोचिंग पुरस्कार द्रोणाचार्य अवार्ड के लिए खेल मंत्रालय को मेरे नाम की सिफारिश की है।